नमस्कार विद्यार्थियों, मां राजा सुरेंद्र पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य शास्त्र में टॉपिक है रस और उसका भाग। हम बात करेंगे रस के बारे में। हम कहीं पे भी जाते हैं और जब कुछ खाते हैं या कोई हमारे मन में कोई व्यक्ति भा जाता है या कोई वस्तु पसंद आ जाती है तो हम आमतौर पर कहते हैं कि मजा आ गया या रस आ गया या आनंद आ गया। तो काव्य शास्त्र में भी रस का बहुत महत्व है और हमारे काव्य में भी रसों का बहुत महत्व है और रस को काव्य की आत्मा भी कहा गया है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं साहित्यिक भाषा में। आचार्य भरत मुनि ने जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है और भरत मुनि ने रस की परिभाषा इस प्रकार की है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृष्टि है काव्य शास्त्र में भरत मुनि का नाम बहुत आदर्श दिया जाता है। इन्होंने एक रचना है नाट्य शास्त्र इसमें इन्होंने रस की परिभाषा की और काव्य गुण आदि काव्य गुण काव्य लक्षण आदि की परिभाषा इस नाट्य शास्त्र में दी है और उन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार की है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति है अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी अर्थात संचारी भावों को व्यभिचारी भावों को कहा जाता है संयोग दृश्य निष्पत्ति विभाव अनुभाव संचारी संचारी भाव इनके संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। आगे जो इन्होंने रस सूत्र दिए है परिभाषा दी है इसकी परिभाषा अन्य कवियों ने अन्य विद्वानों ने किए जिनमें आचार्य भट्टनायक है लोलट है इसके अलावा भी और विद्वान है जिन्होंने इस सूत्र की व्याख्या की। अब हम देखेंगे इनके अलावा और भी हिंदी साहित्य में विद्वान है जिन्होंने रस की परिभाषा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषाएं दी है कि जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। आचार्य शुक्ल रस की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। आत्मा की मुक्तावस्था आत्मा का स्वतंत्र होना
ज्ञान दशा कहलाती है, वैसे ही हृदय की मुक्तावस्था, आत्मा की अगर मुक्तावस्था है तो वहां पर ज्ञान दशा कहलाएगी, और हृदय की मुक्तावस्था है तो वहां पर रस दशा कहलाती है। इसी प्रकार डॉक्टर विश्वंबरनाथ ने रस की परिभाषा देते हुए कहा है कि भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, बहुत अच्छी परिभाषा है, आपको एग्जाम में काम में आएगी। इस प्रकार विद्वानों ने परिभाषा दी, और एक अन्य विद्वान है आचार्य श्याम सुंदर दास ने भी परिभाषा दी है रस की, क्या दी है देखते हैं। स्थायी भाव जब विभाव अनुभव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, स्थायी भाव जब विभाव अनुभव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेषक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। की परिभाषा कुछ भरत मुनि जी की परिभाषा में जुड़ती जुड़ती है, और ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रस के प्रकार, रस के प्रकार जैसा कि मैंने पूर्व कई वीडियो में रसों के बारे में चर्चा की है कि साहित्य में हिंदी साहित्य में दो प्रकार के रस माने गए हैं, और इन रसों को हम विस्तार से देखेंगे, जैसे श्रृंगार रस, वीर बोध, वीर बोध, विभत्स अद्भुत, विभत्स अद्भुत, अद्भुत शांत हास्य, ये हिंदी साहित्य में दो प्रकार के रस बताए गए हैं, और श्रृंगार, वीर, रोध, विभत्स, अद्भुत, शांत, हास्य, भयानक, कर्ण, इनमें आचार्य भरत मुनि ने आठ रसों को भी माना, और उनके अनुसार जो शांत रस है वह नाट्य में नाटक में निषेध माना है इसका, और आठ रसों की के बारे में चर्चा करते हैं भरत मुनि जी। ये रस के प्रकार है। अब हम बात करेंगे इन रसों के बारे में, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कुछ उदाहरण है। जैसे श्रृंगार रस के दो भेद किए गए हैं, संयोग व वियोग। श्रृंगार रस के वर्णन दो भेद किए हैं, संयोग और वियोग। जब संयोग में जब नायक नायिका पास में रहते हैं तब लिख किया जाता है, और वियोग में जब नायक नायिका
उनके वियोग को प्रस्तुत करने के लिए वियोग रस का सहारा लिया जाता है। संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण देखते हैं। बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सो कहे मोहनी हंसे देन कहे नट जाए। यहाँ पर गोपी श्री कृष्ण से बातों के रस के लालच की वजह से उनकी मुरली छुपा लेते हैं और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो वो गोपी का मना करते हैं। ये संयोग रस का उदाहरण रहा। अब वियोग रस का उदाहरण देखते हैं। निशि दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हमपे, जब ते शाम सिधारे। यहाँ पर गोपिया ने विरह का वर्णन कर लिया, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अन्य एक उदाहरण देखते हैं। पर कारक देवो धारे, फिरो पर जन्य जतारत है बरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सज्जनता पर। मनहु गोपाल आयो मेरे घर, हंसकर बुझा दही, कहां कहूं बेरन भई, निद्या निमिष न और रही। ये कुछ वियोग श्रृंगार के उदाहरण हैं और इसमें अन्य उदाहरण देखते हैं श्रृंगार रस के। कहूं बाग दड़ाक, कहूं बाग तड़ाक, तरंगनी तीर तमाल की सहा, विलोकी भली घटिका ये भेटत है, सुख पाय विधायत हा कुछ खास खली। देखी रूप लोचन ललिया ने, हर से जनो निधि निज निधि पहचाने, थके नयन रघुवती छवि देखे, पलक ही हूँ परिहरि निमेषे। ये कुछ श्रृंगार रस के संयोग रस के उदाहरण हैं। अब हम अगला वीर रस का उदाहरण देखते हैं। वीर रस जिसमें हम इनके जो स्थाई भाव है उनका अलग से अध्ययन करेंगे। वीर रस, वीर रस के भेद हैं दया वीर, दान वीर, धर्म वीर, और इनमें उत्साह स्थाई भाव। उदाहरण देखते हैं। कायर तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया, कायर तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया, अरे समझकर जिनको अपना था अपनाया, अरे समझकर जिनको अपना था अपनाया। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था, वह मान रक्त का प्यासा था। ये वीर रस के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं हास्य रस की। इसका स्थाई भाव हास है और प्रेम प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए। हास्य रस है। प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाव में छह सूत होनी चाहिए। एक अन्य देखो। हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हे दिगंबर को, हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के उछा में, कहे पद्मा पर सुकाहु सो कहे को कहो। ते ही समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अहमिति अधिकाए। ये हास्य रस का उदाहरण है। अब देखते हैं रौद्र रस, और इसका स्थाई भाव क्रोध है। देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन
अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर कर्तव्य युगल बनने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। ये रुद्रस है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारे धरे कर्पूर। इसमें रुद्रस है। अगला भयानक रस का उदाहरण देखते हैं। इसका संचारी भाव शंका त्रास जड़ता वह स्थायी भाव है। समस्त सर्पो संग श्याम जो पढ़े, समस्त सर्पो संग श्याम जो पढ़े, कालिंदी की नंदनी के सुअंग से, कालिंदी की नंदनी के सुअंग से। ये इसमें भयानक है। श्री कृष्ण जब कार्यमर्दन करके बाहर निकलते हैं उसका वर्णन है। मणि दीपों के अंधकार में, अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देख दम्भ के महामेघ में। इसमें भी भयानक रस है। अब देखते हैं विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी चबात, रिपु आतन की कुंडली करी करी जोगनी चबात, पीबई में पागी मानो, पीबई में पागी मानो, जो पी जलेबी खात। तो पढ़ने से ही हमें थोड़ी सी घृणा हो रही है, ग्लानी चिंता, ये से संचारी भाव। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध रुंध हो उठती है श्वास, तैर रहे जल अस्थि खंड सर, रुंड मुंड हत कुत्सित कृषि, संकुल करदम में महानाश के। घर में लाशे बाहर लाशे, चढ़ती लाशे मुझती लाशे। ये कुछ विभत्स अलंकार विभत्स रस के उदाहरण है। अब बात करते हैं कर्म रस और इसका स्थायी भाव सो। उदाहरण देखिए। अभिमन्यु की मृत्यु पर पुत्रा का विलाप, अभिमन्यु की मृत्यु पर पुत्रा का विलाप, प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद। विशंबरा चित्रित सी निर्जीव सी हो गई, हत पुत्रा संज्ञा रस तत्काल। मित्र सुमार सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण का व्यथित होना। पाय बेहाल विवाइन सो भये, कंटक जाल लगे पुज जोए, हाय महा दुख पायो सखा, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये करुण रस का उदाहरण है। अब बात करते हैं अद्भुत रस और इसका स्थायी भाव है विस्मय आश्रय। ये कंपटीशन एग्जाम में अभी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। अखिल भुवन चर अपर जग हरिमुख में लखी मातु, अखिल भुवन चर अपर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़ कुल कातु। केशव कहीं न जाए चाहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझी मन रहिए शून्य भीति पर चित्र नहीं, तनु बिन लिखा तेरे। इहां उहां देव बालक देखा, मति भ्रम मोहि मोरे की भान मिसरे। इसमें अद्भुत रस है। अगला अंतिम शांत रस का भाव स्थायी भाव है। सम शांति निर्वेद इसका मन देखें। वन वितान रवि शशि दियो, फल भरव सलील प्रभाव, अवनी से पंखा पवन। वन वितान रवि शशि दियो, फल भरव सलील प्रभाव, अवनी सेज पंखा पवन। अन्य उदाहरण देखिए। सोच रहे थे जीतन सुख है, ना ये विकट पहेली है, भाग अरे मनु निद्र जाल से, इतनी व्याधा न झेली, इतनी व्याधा।
निष्ठा आना चाहिए। श्रद्धा के रहते ये संभव नहीं कुछ कर पाऊंगा, ये शांत रस के उदाहरण। कुछ विद्वानों ने अन्य भेद किए हैं, वात्सल्य व भक्ति, वात्सल्य व भक्ति। लेकिन वात्सल्य व भक्ति श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार जो रस के मूल भेद या मूल प्रकार दो है, लेकिन कुछ विद्वानों ने दो अन्य भेद किए हैं, वात्सल्य रस व भक्ति रस, लेकिन श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे रसों के अवयवों के बारे में। रसों के अवयव, किससे मिलकर ये रस बनता है? पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव और चौथा है। रस के चार अवयव माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव व संचारी भाव। हम सबसे पहले बात करेंगे स्थायी भाव की। नौ रस हैं और इनके स्थायी भाव की चर्चा करते हैं। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह है रति, अर्थात प्रेम। वीर रस जो मैंने उदाहरण बताया कि इसका उत्साही भाव उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है स्थायी भाव जो हमारे मन में ये भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं और अनुकूल कारण या अनुकूल वातावरण पाकर ये उत्पन्न होते हैं और इन्हीं उत्पन्न भाव को स्थायी भाव कहते हैं। हम श्रृंगार रस की रचना पढ़ेंगे तो हम आनंदित होंगे, प्रेम प्रेम में प्रेम को समझेंगे, प्रेम की भावनाओं को समझेंगे, रति के बारे में और जब वीर रस की रचनाएं पढ़ेंगे तो हमारे मन में उत्साह की लहर दौड़ पड़ेगी। उत्साह उमंग आवेग उत्साह से स्थायी भाव। जब हम देशभक्ति कोई गीत सुनते हैं तो हमारे मन में उत्साह। जब राधा कृष्ण की कुछ रचना या उनका कुछ भजन या उनके कुछ दृश्य देखते हैं तो हमारे मन में रति भाव उत्पन्न होता है, जो कि पहले से ही हमारे मन में स्थापित है, विद्यमान है, लेकिन अनुकूल वातावरण पाकर ये भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको स्थायी भाव कहते हैं। अब बात करते हैं रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस से परिपूर्ण रचना पढ़ने पर हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, जो कि पहले से ही स्थापित है मन में, विद्यमान। अब बात करेंगे विभत्स रस की। विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा या घृणा।
जुगुप्सा या प्रणाम। अब बात करेंगे अद्भुत रस, इसमें स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य, इसी रचना को पढ़कर हमारे मन में आश्चर्य उत्पन्न हो, या हम देखते हैं कुछ फिल्मों के अतुलनीय दृश्य असंभावनाओं से, जैसे हम फिल्म देखते हैं हैरी पॉटर, उसमें कुछ दृश्य होते हैं जो हमें बहुत आश्चर्यचकित करते हैं। शांत शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेश या शम। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य, हास। भयानक जो रस है उसका स्थायी भाव है भय। किसी भी काव्य को पढ़ने पर हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, तो वहां पर स्थायी भाव भय होगा। कर्ण रस में इसका स्थायी भाव होगा शोक। करुण रस की रचना पढ़ने पर काव्य पढ़ने पर हमारे मन में शोक उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये रस के प्रकार हैं, ये इनकी स्थायी भाव है, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे विभाव।